हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बाइक लेके निकल पड़ा हूँ। आज मेरा डेस्टिनेशन है पुरुलिया। आप लोगों ने ज़रूर पुरुलिया के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। ये वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये जो राइड है इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। बेसिकली ये ग्रुप राइड है और हमारा ग्रुप का नाम है नंदीग्राम रॉयल राइडर्स। और इस ग्रुप का एक फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं। हम लोग एकदम सुबह घर से निकले थे करीब 5 बजे, लेकिन रास्ते में इतना बारिश है हम लोगों को फिर से रुकना पड़ा। बहुत लेट भी हो गया है और अभी तक बारिश जारी है। तो चलिए बारिश रुकने के बाद बात करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग NH6 पर है और अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गया है, धूप निकल चुका है और हम लोगों को बहुत भूख लगा था। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ये जगह खड़गपुर से 14 किलोमीटर पीछे है। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन करीब 230 किलोमीटर दूर है। तो चलिए आप रास्ते का नज़ारा एंजॉय कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। अभी हम NH6 को छोड़ के राइट टर्न लेंगे, उसके बाद हम लोग NH14 पकड़ेंगे जो बांकुड़ा की तरफ जाता है। दोस्तों, अभी हम लोग NH14 पकड़ चुके हैं और रास्ता बहुत ही अच्छा है, जंगल के एकदम बीच में से है। इसमें राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग है। दोस्तों, मैंने सुना है कि इस जंगल में हाथी होने के चांसेस है, तो देखते हैं मुलाकात होता है या फिर नहीं। रास्ते के दोनों तरफ जंगल है, इसीलिए इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है। सामने जो बंदा है ना, ये है हमारे जुल्फी का दा, इनको हम प्यार से जुलूदा बुलाते हैं। दोस्तों, हम लोगों को फिर से रुकना पड़ा है यहाँ पर क्योंकि फिर से बारिश आ गया है, तो रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट एंटर कर चुके हैं। आज बारिश ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, एक वक्त तो लग रहा था कि ये मॉनसून राइड है। दोस्तों, इस रास्ते से आप लोग प्लीज़ एक बार आइएगा, रास्ते का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है। करीब करीब 2:30 बजे है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगा है। सामने जहाँ भी होटल या ढाबा दिखेगा वहाँ पर लंच कम्प्लीट करेंगे। तो दोस्तों, फॉर्चुनेटली हम लोगों को यहाँ पर एक पोथो साथी मिल गया है। दिस इज़ बेसिकली ए होटल विच इज़ मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, और नहीं रुक सकते, बहुत ज़ोर का भूख लगा है। यहाँ पर हम लंच कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात होगा डायरेक्ट हमारे होम स्टे पर। तो चलिए मिलते हैं। दोस्तों, हम लोग इस घर में रहेंगे। ये अयोध्या पहाड़ के बगल में एक गांव है और ये जगह उस गांव में ही है। इस जगह का नाम है बागमुंडी। इस घर का ओनर हमारे श्यामलदा का पहचान का है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये घर जंगल के एकदम पास है और जैसे कि अभी मैंने सुना, कभी कभी हाथी भी रात में यहाँ पर आ जाता है। एनीवे दोस्तों, अभी लगेज वगैरह रूम पर रखते हैं और फ्रेश होते हैं। आपसे मुलाकात होगा कल सुबह, कल हम जाएंगे अयोध्या। तो चलिए मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा डे 2 है और कल नींद बहुत अच्छा गया। कल हम बहुत टायर्ड थे, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पर थोड़ा सर्दी है और उसके बाद फ्रेश होके चाय पीकर अभी हम निकले हैं। हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन है अयोध्या पहाड़ एंड उसमें अपर डैम एंड लोअर डैम। आपको शायद स्क्रीन पर ही पहाड़ दिख रहा होगा दूर में। हम लोग सब बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार हम लोग बाइक लेकर पहाड़ चढ़ेंगे। ये हमारे लिए खास एक्सपीरियंस होने वाला है। हम लोग भी जाएंगे और आप लोगों को लेकर जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का दिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं पहाड़ पे।
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लोअर डैम की तरफ। रास्ते का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एनर्जेटिक है। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। हम लोग वो रास्ते से ऊपर आए हैं, यहाँ से नीचे का व्यू काफ़ी शानदार है। हम लोग लोअर डैम पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पर एक भी टूरिस्ट मुझे दिख नहीं रहा। आई थिंक इसका गेट बंद है, इसमें घुसने नहीं देगा। चलो घूम के आते हैं। हमारे जयदेव दा गाड़ी घुमा चुके हैं, इसका मतलब रेड सिग्नल है। जी हाँ दोस्तों, इसका गेट बंद है, इसके अंदर नहीं जा सकते। अभी गाड़ी को साइड करते हैं, उसके बाद थोड़ा फ़ोटो शोटो खींचेंगे। हमारे बाकी मेम्बर्स भी आ गए हैं। दोस्तों हम लोग वहाँ से आगे निकल आए हैं थोड़ा। एक्चुअली ये अपर डैम का रास्ता, लेकिन यहाँ से लोअर डैम का अच्छा एक व्यू आता है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और थोड़ा फ़ोटो भी लेंगे। अब यहाँ से निकलेंगे और सीधा आपसे मुलाकात होगा अपर डैम में। तो चले मिलते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर फाइनली अयोध्या पहाड़ के अपर डैम पर पहुँच चुके हैं। हम लोग डैम के एकदम करीब है। यहाँ पर बाईं तरफ पार्किंग प्लेस लिखा है, लेकिन हम लोग बाइक लेकर सामने निकल जाएंगे। पर्सनली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला इतना लॉन्ग बाइक राइड है, और वो भी इतनी अच्छी एक जगह पर। बाकी सब लोग आगे निकल गए हैं, मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन कोई नहीं। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है, हम लोग वहाँ पर जाके मीट करेंगे।
हमारे सारे मेंबर्स वहाँ पर सामने खड़े हैं, मैं जाकर वहाँ पर बाइक पार्क करता हूँ और आप तब तक इस शानदार जगह का नज़ारा एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारी जगह है जो हम जाएंगे इसके बाद, वो सब आपको इस ब्लॉग का सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग पर्सनली आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ।